वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहिए। चलिए आज मिलके बनाते हैं खड़ी मूंग की दाल, मतलब कि छिलके वाली दाल। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दाल, आप अपने हिसाब से लीजिए आपको कितनी बनाना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप भर के। तो यहाँ पे हमने 1 कप भर के खड़ी मूंग की दाल ले लिया है। इसे कुछ भिगाया वगैरह नहीं है हमने, बस इसी तरीके से इसे धो लेंगे। तो दोस्तों हम जल्दी से इसे धो के लेके आते हैं। जब तक आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अंजुम्स किचन पे। तो चलिए जल्दी से इसे धो लेते हैं। तो दोस्तों लीजिए, हमने यहाँ पे इसे 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया, बिल्कुल साफ हो गई है ये। और बस अब ले लेते हैं अपने प्यारे से कुकर को और इस कुकर में हम डाल देंगे ये दाल। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने इसे भिगाया नहीं है पहले, इसीलिए हम इसे कम से कम 3 सीटी देंगे। अगर आपने पहले से भिगा के रखा हो तो आप सीटी को कम दीजिएगा, आप अपने अंदाजे से दीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं गलना चाहिए, बहुत ज्यादा मैश नहीं होना चाहिए। इसमें डाल रहे हैं हम 2 से 3 कप पानी, साथ में इसमें चला जाएगा नमक 1 टीस्पून, बाद में एडजस्ट करेंगे जब मसाला इसका भूनेंगे। और इसमें साथ में जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी। बस इतनी ही चीजें इसमें डालना है और बस अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और कम से कम 3 सीटी हम 3 प्रेशर इसे हम देंगे। तो चलिए ये हो गया बंद, इसे रख देते हैं गैस पे। तो ये लीजिए जनाब, हमने गैस को ऑन कर दिया और अपनी प्यारी सी कढ़ाई को यहाँ पे रख दिया है। कढ़ाई देखिए अच्छे से गर्म हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं कि जो नए बच्चे होते हैं, नए बहुएं होती हैं, जो पहली बार खाना बनाना शुरू करती हैं या बैचलर्स होते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो पानी में तेल ना डालें, नहीं तो एकदम उचकेगा और फिर जलने का अंदेशा रहता है। तेल यहाँ पे डाल रहे हैं हम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि दाल ज्यादा है और थोड़ा मसालेदार दाल बन रही है तो थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कम ज्यादा तेल को कर सकते हैं। इसे अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों लीजिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने थोड़ी सी प्याज इसमें डाल के देख लिया। बस अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, तेल गर्म होने के बाद ही डालिएगा तो फिर अच्छे से खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब जीरा। अच्छे से लाल होने दीजिए, चटकने दीजिए इसे। अब इसमें डाल देते हैं प्याज, हमने 1 मीडियम साइज की प्याज लिया था जिसे हमने पतला पतला सा स्लाइस कर लिया, थोड़ा सा मसल के डालिए ताकि अलग अलग हो जाए वो, और जब मसाला भुनेगा तो अच्छे से वो मसाले के साथ एक जान हो जाए। इसे थोड़ा सा गुलाबी करेंगे, लाल नहीं करना है, बस गुलाबी सा करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है बस अब गुलाबी होने ही वाली है, एकदम से नरम हो गई है। तो जब तक इसमें हम डाल रहे हैं लंबा लंबा सा कट करके हरी मिर्ची, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप मत डालिए, और अगर बच्चे हैं लेकिन आप इस तरीके से मोटा मोटा डालेंगे तो आप निकाल भी सकते हैं उसे खुशबू आने के बाद। तो यहाँ पे ये पिंक हो गई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी तरह जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब कि जीजी पेस्ट, जो हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि मसाला जले नहीं, अदरक लहसुन को हमें भूनना है। अब इसी के साथ डाल देंगे इसमें सूखे मसाले। गैस की आंच को कम कर दीजिए, सिम कर दीजिए। जब भी आप सूखे मसाले डालें गैस को कम कर दिया करिए। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डालेगी, दाल जब उबल रही थी उस वक्त भी हल्दी डाला था। हल्दी के बाद मिर्ची, मिर्ची आपके हिसाब से डालिए। हम 3 टीस्पून डाल रहे हैं, तेज बना रहे हैं थोड़ा सा। आप 1 डाल दीजिए या 2 डाल दीजिए, आपके जायके के हिसाब से, आपकी फैमिली क्या पसंद करती है उस हिसाब से चलिए, क्योंकि फैमिली को मज़ेदार खाने खिलाना और उनका खुश होना हमारे लिए बहुत लाजमी होता है। साथ में डाल रहे हैं धनिया पाउडर जो कि 2 टीस्पून, और इसी के साथ हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, घर का पिसा हुआ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू है इसमें, और वैसे तो आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर का ही पिसा हुआ हो, लेकिन घर में पीसे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है क्योंकि बाहर की चीज़ों में अक्सर मिलावट होती है। अब देखिए जैसे इसमें सूखे मसाले डाले तो एकदम से मसाला नीचे लगने लगा, लेकिन अभी हमें मसाले को भूनना है, इसलिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी।
और पानी डालने के बाद फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। इस वक्त गैस की जो आंच है उसको हमने हाई फ्लेम कर दिया है, तो अच्छे से इसे भून लीजिए। कुकर की भी 3 सीटी हो चुकी है, हमने गैस को बंद कर दिया है ताकि जो दाल है उसे हम जल्दी से खोल सकें। इसमें डाल रहे हैं हम 1 टमाटर, रफली कट करके डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा खटास भी आ जाती है और ग्रेवी को एक थिकनेस मिलती है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी देखिए कितने अच्छे से ऊपर आ गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये मसाला, और इसकी जो खुशबू आ रही है वो भी लाजवाब है। तो आप सोच सकते हैं कि अब हमारी दाल कितनी मजेदार बनने वाली है। तो जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने 3 सीटी दे दिया था दाल को, और जो दाल है बहुत अच्छे से देखिए गल गई है। हमें इससे ज्यादा इसे नहीं गलाना है, देखिए ऐसे दबा के अगर देखते हैं इसे तो ये देखिए सही है ये, तो हमें इतना ही रखना है। तो चलिए ये दाल को इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे इसे। बहुत पतला नहीं करना है, जैसे आपकी मर्जी कि आप कितना करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और जब इसमें दाल डाल दें तो थोड़ा चमचे से इस तरीके से आप इसे दबाते जाएं, तो उससे क्या होगा थोड़ी दाने पूरे पूरे रहेंगे और थोड़ी सी जो दाने हैं वो मैश हो जाएंगे और जिससे एक थिकनेस आ जाएगी दाल में। देखिए कितनी प्यारी दाल बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। बस एक बार इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए और वो जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुकर की जो दाल डाला वो भी गर्म थी और मसाला भी गर्म था। तो इसे एक बार बॉईल होने देते हैं, ऊपर से जाएगा हरा धनिया और हमारी मजेदार वाली दाल तैयार है और हमारी स्टीम राइस भी तैयार है। इस वक्त थोड़ा सा नमक को चख लेते हैं, बहुत मजेदार बनी है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए, पहले जब भी आप ये बनाएं खाना तो बॉर्डर हमेशा साफ कर लिया करिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे जब चिपक जाता है खाना तो जलता भी है, तो हमेशा बॉर्डर को साफ कर लिया करिए। तो बस इसे थोड़ी सी देर के लिए 1-2 से 3 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से चिकनाई जो है उतर जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सिम पे रखे हुए 5 मिनट हो गया है, चलिए इसे खोलते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और देखिए माशाल्लाह हमारी दाल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं इसका कलर, और खुशबू तो आप नहीं महसूस कर सकते हैं इसकी, जो कि हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, लाजवाब खुशबू बनके तैयार हुई है। गर्म गर्म स्टीम राइस के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ ये लाजवाब लगेगी। तो चलिए जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। आप इसके ऊपर असली घी भी डाल के खा सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमने निकाल दिया। आप चाहे तो इसको असली घी भी डालें, थोड़ा सा इस पे डाल देंगे हरा धनिया, और देखिए लाजवाब सी मजेदार सी मूंग की दाल तैयार हो गई है। और आप एक बार हमारे इस तरीके से बना के देखिए, और हमें यकीन है कि बच्चे भी आपके इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक मजेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे जरूर याद रखिए। खुदा हाफिज़।